ये जनपद महाराजगंज के थाना सोनौली क्षेत्र में बॉर्डर पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा 6 ईरानी नागरिकों को संदेह के आधार पर पकड़ा गया है। जब उनके डॉक्यूमेंट को चेक किया गया तो उनके पास जो भारत में रहने की अवधि की वीजा थी वो मार्च 2023 और अप्रैल 2023 तक ही थी। इसके अलावा पेपर को चेक करने पर यह भी जानकारी हुई कि उन्होंने फर्जी स्टाम्प लगा करके आव्रजन विभाग का, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का, नेपाल में जाने का प्रयास किया। इस आधार पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा थाना सुनौली पे एक तहरीर दी गई है जिसमें इन 6 ईरानी नागरिक, जिसमें 2 महिलाएं हैं जबकि 4 पुरुष हैं जिसमें 2 नाबालिग भी हैं, इनके विरुद्ध तहरीर दी गई है कि इनके द्वारा भारत में अनधिकृत रूप से रहने और फर्जी स्टाम्प इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का बनवाने और नेपाल में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने के प्रयास के संबंध में थाना सोनौली पर एक अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। यह अभियोग 14 विदेशी अधिनियम 467-68-71 का पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि सभी बिंदुओं पर गहनता से समीक्षा करते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।